प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से कार हो गई है बेकार और जनता है परेशान। बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार के वादे हमसे किए थे कि पेट्रोल के रेटें कम कर देंगे, डीजल के रेटें कम कर देंगे, उल्टी बढ़ गई हैं। क्रूड ऑयल की रेट पूरे विश्व में कम हुई है, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की रेटें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल की रेटें लगातार कम हो रही है। इसी के लिए विरोध स्वरूप हमने आज ये कार अपनी कारों को खींच रहे हैं अपने इसको, और ये महसूस कराना चाहते हैं कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। हालात खराब है, देश की स्थिति खराब है, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल गाड़ी आ जाए तो सामने सबने आज सुरेश मिश्रा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर गाड़ी खींच रहे हैं, गाड़ी खींच कर प्रधानमंत्री जी की आँख खोलना चाहते हैं, आँख खोल के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। नारा कहाँ गया मोदी जी, ना अच्छे दिन आए, ना 15 लाख मिले, ना पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। आपने एसआर और रिलायंस के पेट्रोल पंप चालू करवा दिए क्योंकि आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, अब उनको रिलीफ हो रहा है, उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन इससे रोटी भी लोगों की छीन ली गई है, रोजगार भी छीन लिया गया, महंगाई जबरदस्त है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे, आपने रिलीफ के नाम पर जीरो है। प्रधानमंत्री जी आंखें खोलें, रिलीफ दे, यदि वो रिलीफ नहीं देते हैं कांग्रेस सड़कों पर है, लगातार आंदोलन जारी रहेगा, ये तय बात है। जनता इस सरकार की सच्चाई समझ गई है, यदि सरकार ईमानदार होगी तब तो पेट्रोल डीजल आज श्रीलंका पाकिस्तान और नेपाल यहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता है जो हमसे खरीदते हैं, हमारे यहाँ पर महंगा है। इससे बड़ा पाप मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखिए पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जहाँ पे पेट्रोल डीजल महंगे हुए। उसका कारण है एक्साइज ड्यूटी और वेट बढ़ गया, सारे टैक्स बढ़ाकर आप सरकार का खजाना भर रहे हैं, जनता की जेब काट रहे हैं। आज जयपुर में सुरेश मिश्रा जी के नेतृत्व में ये गाड़ी खींच कर लोगों की आँख खोलने का प्रोग्राम रखा गया है। प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि आप देश के लोगों को उनकी जेब काट कर गाड़ियों को घसीट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लो, एक्साइज ड्यूटी घटाओ, लेकिन जनता को लाभ दो। अब और नई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, लेकिन महंगाई की मार उतनी, अब और नई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई अब। और पेट्रोल डीजल का तो आपने नारा दिया था और आपने कहा था
कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल सस्ते की जगह बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। कांग्रेस सड़कों पर है, पूरे देश में आम आदमी रोजी रोटी और रोजगार के लिए लड़ रहा है, देश भूखा है, परेशान है, बेरोजगार है नौजवान। ऐसे में पेट्रोल डीजल महंगा होने से लोगों का निवाला छीन लिया गया है, बच्चा भूखा है, नौजवान बेरोजगार है, आपका खजाना भर रहा है। आप अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उनके पेट्रोल पंप चलवा सकते हैं एसआर और रिलायंस के, लेकिन आप सिर्फ इसलिए रेट डाउन नहीं कर रहे क्योंकि रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, एसआर के बंद हो जाएंगे। ये बड़ा षड्यंत्र पूरे देश में हो रहा है। मैं आपसे प्रधानमंत्री जी से हम सड़क पर एक ही बात कह रहे हैं कि आज हम गाड़ी घसीट कर आपकी आँख खोलना चाहते हैं, देश को रिलीफ दो, पेट्रोल डीजल सस्ता करो। देखिए कार हो गई है बेकार, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा देकर के सरकार हासिल करी और कहा था कि पेट्रोल डीजल की रेटें कम करेंगे, आज सबसे ज़्यादा रेटें पूरे देश में, हम बात करें तो पूरे विश्व की बात करें कि पेट्रोल डीजल की रेटें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी परेशान है। और इसी कारण से आज हम लोगों ने एक ये विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है जिसमें कारों को अपने हाथ से खींच रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार से पेट्रोल डीजल की रेटें लगातार बढ़ती रही तो लगता ही है कि यह रेट 100 रुपये से ऊपर जाएगी। लेकिन पूरे विश्व में हम बात करें तो क्रूड ऑयल की रेट लगातार कम हो रही है, पूरे विश्व में हम बात करें कि डीजल पेट्रोल की, तो पूरे देश में जिस प्रकार से रेटें बढ़ाई जा रही हैं, हर बार कभी हर रोज़ 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये रोज़ बढ़ाते हैं, कहाँ 60 रुपये का डीजल हुआ करता था उसको बढ़ा के 70 रुपये से ऊपर ले आ चुके हैं। तो साफ नज़र आ रहा है सरकार की मंशा खराब है, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज ये प्रदर्शन रैली निकाली है। ये रैली कहाँ से काटा जाएगी? ये अभी यहाँ किरण पचौरा से प्रारंभ हो रही है और ये पूरे मानसून क्षेत्र में घूमती हुई सर्वे घूमी। खेचो खेचो, अरे यार क्या खेचो खेचो यार, कम से कम वो तो बन जाओ। क्या बनाओगे यार, क्या दे रहे हो? आगे से लेको यार, वापस लो, पेट्रोल वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, डीजल वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, डीजल वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो।